नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक वॉशिंग मशीन कम ड्रायर उसकी अनबॉक्सिंग दिखा रही हूँ। ये मशीन कपड़ों को काफ़ी अच्छी तरह ड्राई भी करती है। मैं आपको मशीन का एक लुक दिखाती हूँ और फिर उसकी कॉस्ट भी आपको बताऊंगी। इस मशीन को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से खरीद सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फुली ऑटोमेटिक टंबल वॉश, हॉट वॉश, 60% पानी बचाती है और 60% साबुन बचाती है। तो ये है वो वॉशिंग मशीन जो कि किस तरह कपड़ों को वॉश करेगी, ड्राई करेगी, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ। ये क्या नंबर है इसका? वारंटी। ठीक है, लिक्विड किधर? इसमें। ठीक है, इसमें प्री वॉश। प्री वॉश मतलब कपड़ा में ज्यादा गर्म हो जाते, इधर क्या लिक्विड आते, इधर वही डालते, इधर साफ ही। इधर लिक्विड, इधर प्री वॉश। प्री वॉश ऑप्शनल है ना? ऑप्शनल है। ठीक है, कंफर्ट ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल। ठीक है, ठीक है। और यहाँ रिफ्रेश। तो ये तीनों चीजें ऑप्शनल हैं, अदरवाइज यहाँ सिर्फ पाउडर या लिक्विड हम डाल सकते हैं। दोनों चीज, पाउडर या लिक्विड? पाउडर नहीं डाल, लिक्विड डालें वो बेस्ट होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। दिस इज पावर बटन ऑन के लिए, ऑल प्रोग्राम, व्हाट यू वांट प्रोग्राम, एक्सप्रेस 15। वो निकल गया, शायद नीचे का पाइप निकल गया। IFBK की 3-in-1 मशीन है। इसमें इन्होंने बताया है यहाँ पर डालेंगे लिक्विड सोप, पाउडर नहीं डालना है। यहाँ पर क्या बताया था? प्री वॉश और यहाँ कंफर्ट और यहाँ रिफ्रेश। अच्छा, जैसे ये आपने स्टार्ट किया हुआ, इसको हम खोल सकते हैं? अच्छा, ठीक है, ओके। और फिर इसको इस तरीके से बंद करेंगे, उसके बाद पावर बटन प्रेस किया है। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें? हाँ, अब अच्छे से बोलो, आप बताओ। बटन है, ठीक है, ऑन कर लिए। ये आपको पूरा प्रोग्राम से क्या प्रोग्राम चाहिए वो प्रोग्राम है। ठीक है, ये आपको प्रोग्राम से क्या प्रोग्राम चाहिए वो प्रोग्राम। ठीक है मैडम, एक्सप्रेस 15 ओनली वॉशिंग है। ठीक है, ज्यादा सिंपली गंदा होता है ना, ज्यादा कपड़ा नहीं, सिंपली कपड़ा, दो तीन कपड़े मिक्स डेली यूज करते हैं ना। ठीक है, इसमें भी मैडम आपको इसमें ड्राई का ऑप्शन होता है, आयरन ड्राई, कबोर्ड ड्राई, जेंटल ड्राई, ऐसा ऑप्शन है। आपको कौन सा ड्राई चाहिए वो मैं अच्छे से बोलता हूँ। मिक्सड वॉशिंग, काटन कपड़ा के लिए, सिंथेटिक कपड़ा, एंटी एलर्जी मतलब घर में कोई पेशेंट हो गया सेपरेट वॉश के लिए, बेबी और बच्चों के लिए, बल्कि बेडशीट्स के लिए, उल्लंस, नॉर्मल उल्लंस आइटम, क्रेडल वॉश, डेलीकेट्स कपड़ा आता है ना, स्टोन वाला, एम्ब्रॉयडरी वाला, ऐसा। ठीक है, पावर स्टीम मतलब पहले 1 लीटर पानी लेके वो पानी पूरा गर्म करके स्टीम करके बाद में वॉशिंग होते, स्टीम मतलब मैडम करेगा यही पावर स्टीम। अच्छा, करेगा डिफरेंट स्टीम आता है इसका, पावर स्टीम। पहले 1 लीटर पानी लेके पानी गर्म कर स्टीम करके देखें, एंड रिफ्रेश मैडम, ऑलरेडी आप कपड़े में वॉश करके कपड़ा रखा है, ओनली वो रिफ्रेश करना, वॉश नहीं, रिंस नहीं, ड्राई, ओनली फॉर रिफ्रेश, 1 लीटर पानी लेके रिफ्रेश करके देना, स्पिन ड्राई, ड्राई पर्पज के लिए, कितना ड्राई चाहिए आपको अभी, इसमें आयरन ड्राई, कबोर्ड ड्राई, जेंटल ड्राई, ऐसा तीन ड्राई रहते हैं, कौन सा ड्राई चाहिए आपको ऐसा ड्राई, डिफरेंट आयरन ड्राई रहते हैं, कबोर्ड चाहिए तो कबोर्ड ड्राई सेलेक्ट करिए, जेंटल ड्राई है तो जेंटल ड्राई, नॉर्मल ड्राई होता है। वॉश प्रेस ड्राई मतलब 4 आवर्स है, इसमें कपड़ा नॉर्मली 6.5 kg तक डाल सकते हैं, 8.5 kg नहीं, क्यों 100% ड्राई होता है, तो एंड ये वॉश प्रेस ड्राई 2 आवर्स है, कितना आपका थोड़ा आयरन ड्राई होता है, थोड़ा कपड़ा कम होने। ठीक है, एंड ये मैडम ऑल आपका एक्स्ट्रा ऑप्शनल है। ठीक है, ये वाला ड्राई ऑप्शन है, कितना क्या ड्राई, ओवर टाइम ड्राई है, ये पानी का टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर, वो स्पिन स्पीड है, ड्रम रोटेशन होता है ना, वो स्पिन स्पीड है, ये वाला टेम्प सेवर मतलब थोड़ा टेम्प ज़्यादा होगा थोड़ा रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये मतलब वाईफाई, आपको मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट करते हैं,
वहाँ ये AFP आप डाउनलोड करके आपको उधर रजिस्टर करके स्कैनर कोड होता है, ये स्कैन किया तो स्कैनर कोड स्कैन किया तो आपका घर का क्या वही पे पूछते हैं, वो पासवर्ड डालेगा तो कनेक्ट होते हैं। आपका घर में हो गया तो डायरेक्ट मोड कर ले, दूसरे में तो रिमोट मोड कर ले, ऐसे दो कन्वर्ट कौन सा थे। एंड ये वाले एक्स्ट्रा रिंस है, एक्स्ट्रा रिंस चाहे तो स्टीम चाहे तो अरोमा चाहे तो ऑप्शनल है मैडम, ये पूरा आप अरोमा चाहे तो अरोमा। एंड ये वाला मैंने फर्स्ट वाला प्री वॉश है, ये वाला सेलेक्ट किया है तो लेकिन अरोमा तब देगा ना जब हमने उसमें कुछ डाला होगा, उसका डाला बहुत टाइम रिफ्रेश करना है। एंड ये वाला मैडम एक्स्ट्रा सोकिंग के लिए, एक्स्ट्रा सोकिंग एंड प्री वॉश किया है तो ये वाला फर्स्ट वाला प्री वॉश है, ठीक है, सेकंड वाला सोकिंग। एंड नॉर्मली ये स्टार्ट बटन स्टार्ट किया तो स्टार्ट होते पल। एंड कपड़ा डालते हैं ना 75% डाल दिए, 100% 75% डाले। एंड ऐसा क्लीन कर रबर, ऐसे क्लीन कर, क्लीन करना है पहले, क्लीन कर ले पहले नहीं ऐसा निकालेगा तो निकालते पानी आते हैं, स्टैंड डालेगा तो नीचे बोल रखे पानी आराम से ले सकते, नहीं तो पानी अंदर घिसता है ना, सो इसे क्लीन करने के लिए थोड़ा दिन सो स्टैंड यूज कर ली। आफ्टर एवरी वॉश करना है इसको, क्लीन आफ्टर एवरी वॉश नहीं, मतलब उनका मंथली 1-3 टाइम्स कर ले बस, काइन स्पिंस कुछ होगी जरा के, ठीक है। इसको रिमूव निकालना कैसे, ये वाला जस्ट ऐसे प्रेस किया तो रिमूव होता है, ठीक है। और वाला कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साफ करना है, लेफ्ट साइड को किया तो ओपन होता है लेफ्ट, थोड़ा इधर पानी आता है, ठीक है, माफ नहीं, सो इसलिए ज्यादा नहीं निकलता, ओपन आता है, बस ऐसे टाइट। अगर हम कुछ आवर्स बात करेंगे तो ये पानी नहीं आएगा ना, पानी 200 ml पानी अंदर एनी टाइम होता है। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। एंड ये वाला मतलब लिवरपूल, ये डोर ओपन नहीं हुआ, लगाएंगे कैसे जो हमने लेफ्ट करके ओपन किया था उसको, फिर राइट साइड को सेम ऐसा उठा के राइट साइड को कर लो, अच्छा ठीक है, थोड़ा पानी आएगा तो परवाह नहीं है तो मैं ओपन करता, ठीक है, मैं अभी करके देख लूंगी ये सारा ना, नहीं मैं करूंगी तब भी पानी निकलेगा। और ये जो नॉब है ये किस लिए बताया आपने, जो ऊपर से नीचे आया, डोर ओपन नहीं हो गया तो ऐसा कर ले, डोर ओपन होते एक एक बार डोर अभी ओपन हुई है, और डोर वो ऐसा कर ले डोर इजी में ओपन होता है। अच्छा एक एक बार कपड़ा ज्यादा डालेगा तो ऐसे कुछ होने के चांसेस है, तो हमें नीचे से ओपन करना चाहिए या इसको भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, उधर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ओनली ओपन करना, तब करना है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा तो डायरेक्ट ओपन होता है डर ऐसा, ऐसे ओपन आएगा तो ओपन करके यूज करना, ठीक है। इतनी सेटिंग्स है इसकी, ये सब सेटिंग्स कम्प्लीट हो गया, कौन सा जो आपने बताया सब कम्प्लीट हो गया। अच्छा अब आप मुझे एक चीज दोबारा बताओ कि जैसे कि मैंने इसमें कपड़े डाल दिए, okay. अब मुझे सबसे पहले तो पावर का बटन ऑन करना है ना, पावर का बटन, ये मैडम टच नहीं, पूरा टच है बटन, ठीक है, एक बार का टच के तो ऑन होता है, ठीक है, बाद में आपको कौन सा चाहिए वो। अब मुझे इसको जैसे कि कॉटन वॉश करना है तो मैं कॉटन पर ले जाऊंगी, ठीक है, ओनली वॉशेस चाहिए तो डायरेक्ट स्टार्ट कर ली, ओनली वॉश होना कॉटन में, मेरे को थोड़ा ड्राई होना, अच्छा ड्राई को सिलेक्ट कर ली, नहीं 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 रुको, आप मैंने जैसे कॉटन के कपड़े इसमें भर दिए और फिर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूंगी स्टार्ट कर दिया तो टाइम नहीं सेट करूंगी, टाइम अपने आप लेते हो पूरा, अच्छा टाइम पूरा अपने आप पूरा आएगा, टाइम टाइम को हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, टाइम ऑटोमेटिकली वही लेता, तो इसका मतलब कपड़े लोड किए यहाँ से अपना सिलेक्ट किया और ऑन किया बस, बस अच्छा तो ये तो ठीक है। अब मुझे एक चीज बता दो, जैसे मैंने कपड़े कुछ गीले हैं उसको सिर्फ ड्राई करना है, ड्राई करना, तो मैंने कपड़े डाल दिए इसमें, इधर आना, अच्छा इस इधर आऊंगी मैं, स्पिन ड्राई और एक फिर एक बार दो बार हाँ, तीन बार हाँ, प्रेस करना स्टार्ट करना, तीन बार एक तीन बार से नहीं करना है, तीन बार टच किया तो 17 मिनट्स को आते हैं, अच्छा ओनली सिर्फ स्पिन होता है, सिर्फ स्पिन करेगा ड्राई नहीं करेगा, अच्छा ओनली 17 को आएगा, तीन अच्छा, बार प्रेस करना, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ रिफ्रेश करना है तो जैसे कबर्ड से कपड़े निकाले दोबारा से थोड़ा रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश को रख लिए हाँ, स्टार्ट डायरेक्ट, अच्छा सिंपल, टाइम ही अपने आप सेलेक्ट करता है, ये अच्छी बात है इसमें। और पावर स्टीम से क्या बताया था आपने, जैसे रिंकल है कपड़ों में, रिंकल है तो मैं इसमें वो डाल दूंगी कपड़े और फिर पावर स्टीम को प्रेस करूंगी तो वो फ्रेश होके आ जाएंगे, ठीक है। और वूल हो गया,
और अगर मुझे सिर्फ ड्राई करने कपड़े बोला ना 17 मिनट्स का होता है, 3 बार प्रेस करना वही है। वही है। अच्छा स्पिन एंड ड्राई, ठीक है, इजी है, काफी सिंपल है ना, बहुत इजी है, ठीक है। और इसका मिनिमम टाइम कितना लेती है ये, कौन से कपड़े को सबसे कम, नहीं सबसे कम टाइम किस कपड़े में लेती है? अच्छा जो इसमें इस तरीके से लिखा है ये उसी तरीके से टाइम भी लेती है? अपने आप पे प्रोग्राम डिपेंड, अपन प्रोग्राम में थे मिक्स एक्सप्रेस 15 में 15 मिनट्स है, ठीक है, मिक्स डेली में 1 आवर 30 मिनट्स है, अच्छा कार्टन में 2 आवर से ऐसे ऑटोमेटिक, अच्छा अपने आप ऑटोमेटिक, ठीक है। अच्छा ये इसका हीट आ गया ना कि पानी कितना गर्म है वो भी ऑटोमेटिक है टेम्परेचर, पूरा ऑटोमेटिक लेते हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस चाहिए तो चेंजेस, ठीक है। अच्छा ये 1400 क्या रहा है जैसे इस समय, ये तो टेम्परेचर आरपीएम, आरपीएम ड्रम रोटेशन होते हैं ना, अच्छा तो अच्छा RPM. वो दे रहा है, ठीक है। अच्छा भास्कर, हाँ भास्कर बहुत इजी लग रहा है ये तो, तो पैसे जो दिए हैं वो ठीक दिए हैं, ठीक है। और इसका बॉक्स सिर्फ ये ऊपर से लगा हुआ आया था और नीचे इसका एक थर्माकोल का फ्रेम था, इसके एक ये नीचे थर्माकोल का फ्रेम था, एक ये इस तरीके का ऊपर था, तो इस तरीके से हम इसकी अनबॉक्सिंग शेयर कर रहे थे आपके साथ। चलो फिर हाई फाई कर दो, एक चीज जो है इंस्टॉल हो गई आज, एक नहीं तीसरी चौथी, आईकिया का फर्नीचर भी किया है पहले, है ना। चलो थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? नागराज। नागराज YouTube का नाम क्या है तुम्हें? हम बताएंगे ना आपको चैनल का नाम, आपको लिंक देते हैं, लिंक देते हैं, फिर आप भी आओगे उसमें, ठीक है ना, आपको तो आप तो आओगे, आप तो आ तो रहे हो, हाँ नहीं नहीं अच्छे लग रहे हो, आप हैंडसम लग रहे हो, अरे हैंडसम लग रहे हो। और आपने मुझे पाइप देना है, मैंने वीडियो में बना लिया प्रूफ, ठीक है। आपका सेल से अच्छा एक्स्ट्रा पाइप कितने का, ये भी तो बता देंगे ना सबको, एक्स्ट्रा पाइप, एक्स्ट्रा पाइप कितने का पड़ रहा है? बड़ा एक्स्ट्रा पाइप पड़ता है आपको 400, मेरा सेल से आपको ओनली फॉर 200, ठीक है ठीक है। ये हमारा है ना, जब हम इस मशीन को शिफ्ट करेंगे वो टाइम में ट्रांसपोर्ट टाइम फोर्ड से, अच्छा ये ट्रांसपोर्ट टाइम फोर्ड दूसरा जब लेके जाने के टाइम बोल्ट डाल के लेके, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट मतलब हम ट्रांसपोर्ट टाइम गाड़ी में डालते हैं ना ड्रम, अच्छा वही तो सही, ओके। तो इसके लिए हम कॉल कहाँ करेंगे अगर कस्टमर के, कस्टमर के, ठीक है, थैंक यू।